हवाई जहाज को 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था, पर लेकिन अब हवाई जहाज की पूरी शक्ल सूरत बदल गई है। हमने उसमें इतने बदलाव जो कर दिए। अब मैं आपको इसके कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनेंगे। आपको बता दें कि हर रोज पूरी दुनिया में करीबन 2 लाख जहाज उड़ान भरते हैं और अभी तक पूरी दुनिया के 5% लोग ही हवाई जहाज में बैठ पाए हैं। सेकंड, तकनीकी इस युग में आज ऐसे जहाज भी उपलब्ध हैं जो बिना पायलट की उड़ान भरने में सक्षम है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल रूम ने पायलट का होना जरूरी समझता है। थर्ड, हवाई जहाज में काम करने वाले व्यक्तियों को इंग्लिश की जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही फ्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। फोर्थ, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी लेकिन हवाई जहाज के पायलट और अफसर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, कोई एक जैसा खाना नहीं खाता हर रोज, क्योंकि उनका मानना है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है खाना खाने की वजह से तो प्लेन उड़ाने में दिक्कत आ सकती है। फोर्थ, हवाई जहाज में जो खाना परोसा जाता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते समय दबाव के कारण हमारे टेस्ट बदल जाता है जिसके कारण हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। सिक्स्थ, हवाई जहाज में मरकरी ले जाना सख्त मना है क्योंकि मरकरी एल्यूमिनियम को नष्ट कर देती है और जहाज एल्यूमिनियम का ही बना होता है। 7th, आज तक जितनी भी हवाई दुर्घटना हुई है एरोप्लेन के एक्सीडेंट, वो सब एरोप्लेन के उड़ते वक्त या फिर एरोप्लेन के लैंड करते वक्त हुई हैं क्योंकि 3 मिनट के अंदर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। आज तक की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते वक्त हुई थी जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। 8th, हर 5 में से एक व्यक्ति को उड़ान भरने से डर लगता है, इस बीमारी को एवियोफोबिया कहा जाता है। 9th, हॉट जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज़ होती है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब विमान का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये ब्लैक बॉक्स बताता है कि विमान किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। 10th, हमेशा हवाई जहाज के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए क्योंकि जब भी विमान क्रैश होता है तो पिछले हिस्से में बैठने वाले यात्रियों की संभावना बढ़ जाती है। 6th, हवाई जहाज में इमरजेंसी के दौरान जो यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं उनसे सिर्फ वह 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। 8th, 1986 में बिना रुके और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए योजन नाम का हवाई जहाज पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का कारनामा कर चुका है। 10th, 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियां चौकोर हुआ करती थी लेकिन 1953 में 2 हवाई जहाज क्रैश हुए जिनका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। इसके बाद हवाई जहाज की खिड़कियों को गोल बनाया गया। इसके पीछे की वजह यही थी कि हवाई जहाज पर हवा का ज़्यादा दबाव न पड़े जिससे खिड़कियां टूटे भी नहीं और हवाई जहाज आराम से उड़ सके। 11th, सबसे लंबे हवाई जहाज का नाम एयरबस A380 जो कि डबल डेकर जहाज है और जिसमें 4 इंजन लगे होते हैं। 14th, हवाई जहाज सफ़ेद रंग के होते हैं क्योंकि इसके पीछे का कारण यही है कि सफ़ेद रंग गर्मी को आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सूरज से जितनी पास जाएगी वो उतनी जल्दी गर्म हो जाती है और प्लेन तो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो इस वजह से ये इसकी बॉडी पिघलती भी नहीं है। और उसका दूसरा ये भी कारण है कि अगर प्लेन में कोई टूट फूट है या फिर कोई दरार है तो वो आसानी से दिख सकता है प्लेन में व्हाइट कलर से। 15th, हवाई जहाज का डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर आसमान की बिजली का प्रभाव ना हो सके। आंकड़ों के देखा जाए तो साल में एक बार कोई ना कोई हवाई जहाज आसमान की बिजली से टकरा जाता है।